और अभी अपन निकल चुके हैं घर के लिए, और बाय बाय छिंदवाड़ा। ये अरुण भाई बोल रहे हैं कि इनका थोड़ा प्रेशर वेसर बन गया है तो अपन को जल्दी घर जाना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज अपन चल रहे हैं छिंदवाड़ा की ओर, और अपने साथ आज चल रहे हैं अरुण भाई, और अपन जाएंगे आज अपनी गाड़ी से, एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी अपनी। और अभी अपन चल रहे हैं पेट्रोल पंप की ओर, और अभी फ़िलहाल अपन आ चुके हैं ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पे अपन अभी पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं छिंदवाड़ा की ओर। और भाई अभी अपन ने पेट्रोल डलवा लिया है, अब अपन चलेंगे छिंदवाड़ा की ओर, क्योंकि अपन को जल्दी निकलना था, बाकी अपन लेट हो चुके हैं। और अपन ने अभी अपने आकाश भाई को बोला है कि अपन आ रहे हैं, तो चलो जल्दी जल्दी चल लेते हैं और आकाश भाई से मिलते हैं और थोड़ा छिंदवाड़ा घूमेंगे अपन। और गाइस अभी अपन ये सारनी पार हो चुके हैं, और मौसम भी अपना साथ दे रहा है, मतलब आज थोड़ी बदली टाइप है तो उतनी गर्मी हो नहीं रही है, थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है, तो मौसम अपना साथ दे रहा है। और अब अपन जल्दी जल्दी निकलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं छिंदवाड़ा की ओर, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे शायद। और भाई मतलब यहाँ से पूरा घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी संभल के चलाने पड़ेगी अपन को यहाँ पे गाड़ी। और अपन यहाँ पे पहली बार मतलब इधर मोटो व्लॉगिंग करने आए हैं इधर वाले रोड पे, बाकी इस रोड पे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि पूरे आड़मोड़ आड़मोड़ है। और भाई ये जो सामने से जो बस आ रही है ये छिंदवाड़ा से ही आ रही होंगी। अबे क्या टर्निंग है भाई। और गाइस ये बंदरों को देखिए, मतलब पूरे रोड में बेचारे अपने पे ही आश्रित है, मतलब जैसे कोई ट्रक व्रक वाले आते हैं तो इनको खाना वाना देते डालते, तो ये पूरे रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जंगलों में भी दम नहीं रहा है, कुछ खाने के लिए रह नहीं पा रहा है इनके लिए, तो ये पूरे रोड पर आ जाते हैं। और ये कोई कोई गाड़ियों के पीछे दौड़ने भी लगते हैं। और भाई अभी अपनी ये एंट्री हो चुकी है रामपुर टांसी में, और अभी कुछ दिन पहले तक अपनी प्रिय दीदी की यहाँ पे ड्यूटी हुआ करती थी, बाकी अभी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है तो अभी अपना इधर आना नहीं हो पाता है, पहले अपन विशाल भाई के साथ आ जाते थे। और रोड पूरी खाली है यहाँ पे, तो अपनी बाइक को बहुत मज़ा आ रहा है अभी यहाँ पर चलने में। और भाई ये है मतलब हमारे जम्मू का सबसे ख़तरनाक घाट, जहाँ पे मतलब अपन को डर लगता है भाई, थोड़ी सी भी रात हो जाती है तो यहाँ डर लगता है अपन को, और ये काफ़ी ख़तरनाक घाट है, देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर आए दिन ट्रकों के मतलब ब्रेक फेल होते रहते हैं, ट्रक बड़ी मुश्किल से चढ़ती है यहाँ पे। और यहाँ ऊंचाई पर बैठे हैं अपने भोले बाबा शंकर भगवान जी, और बोलो शंकर भगवान की जय। और गाइस मैं बहुत दिन बाद छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, और मतलब पूरी रोड खाली हो रखी है, तो मतलब चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना भाई मेरे को भी, और अपनी गाड़ी को भी चलने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और भाई अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं परासिया पे, और अभी अपन को क्या थोड़ा प्यास व्यास भी लग गई है, इधर अपने साइड से थोड़ा बदली था, बाकी इधर तो पूरी धूप निकली है और अलग ही लपेटे मार रही है गर्म गर्म हवाओं के, तो अब अपन कहीं देखते हैं, पानी पीते हैं और फिर चलेंगे। हालांकि अपन ने टाइम कवर तो कर लिया है, बाकी अभी रुकते हैं कहीं और फिर धीरे धीरे चलेंगे। बहुत तगड़ी सिटी लग रही है भाई, लेकिन है ना ये बहुत तगड़ी सिटी लग रही है परासिया, हाँ ऐसा तो अपन को छिंदवाड़ा में भी नहीं लगेगा। हाँ और भाई अभी हम लोग ने एक स्टॉप ले लिया है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूस वूस पीते हैं गन्ने का और फिर चलते हैं अपन। अभी अपन ने वैसे तो टाइम कवर कर लिया है इसलिए अभी अपन रुके हुए हैं। और गाइस अभी अपन ने पानी भी पी लिया है और जूस भी पी लिया है, अब अपन चलते हैं, और अपनी गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया है, और अभी अपने अरुण भाई भी थोड़े फ्रेश हो गए। अब अच्छा लग रहा है, हाँ पीछे बैठ के वाट लगी कि नहीं लगी? दिखाऊं? नहीं मत दिखाओ भाई। तो चलो गाइस चलते हैं।
और भाई मुझे पता नहीं था कि मतलब छिंदवाड़ा जाने वाली रोड इतनी मस्त बन चुकी है यार। अगर मैं इधर नहीं आता ना तो पता नहीं मैं क्या मिस कर देता। और भाई अपनी बेबी को भी बहुत मज़ा आ रहा हूँ क्योंकि इसको हाईवे रोड बहुत पसंद है बेबी को। और गाइस ये अभी हम लोग आ गए हैं छिंदवाड़ा बाईपास पे, जो एक इसमें लेफ्ट साइड की रोड है, इधर साइड वाली ये जाती है मुल्ताई और ये जाती है अमरवाड़ा। और अपन को ज़्यादा जाना है इधर सीधे, ये जाएगी अपन को छिंदवाड़ा लेकर और अपनी धीरे से छिंदवाड़ा में एंट्री होने वाली है। यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है छिंदवाड़ा। और गाइस अभी हमारी एंट्री हो चुकी है ये छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा ज़्यादा आना हो नहीं पाता है और बहुत अच्छी सिटी है छिंदवाड़ा भी। और अपने एक भाई आकाश भाई जो है वो यहीं रहते हैं और वही अपन को घुमाने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो अपन आज छिंदवाड़ा घूमने के लिए आए हैं टाइम निकाल कर। और भाई अपन को छिंदवाड़ा का जीरो नॉलेज है, अपन को कुछ नॉलेज ही नहीं है छिंदवाड़ा का। बस अब अपन सिटी में घुस चुके हैं, अब अपन कहीं खड़े होते हैं और अपने आकाश भाई को फ़ोन लगाते और आकाश भाई को बुलाते, फिर उनके साथ घूमेंगे अपन। देखो कुछ पता है छिंदवाड़ा के बारे में? नहीं। देखो भी नहीं पता? अरे यार मतलब, तो बस अपन यहीं रहेंगे और इधर से अपन उसको फ़ोन लगाते फिर वो आ जाएगा। ठीक है आना। आज वो है ना अम्बेडकर जयंती है तो उसका कार्यक्रम हो रहा है ना यहाँ पे, 14 अप्रैल है आज। और अब हम लोग यहाँ रुक गए हैं, अब आकाश भाई को फोन लगाते हैं हम और उन्हें बुला लेते हैं यहाँ पे लोकेशन बता के। और भाई आज मतलब 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती, तो यहाँ पे छिंदवाड़ा में रैली निकल रही है और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पब्लिक की एंट्री हुई है। और भाई अभी मैं पहुंच गया हूं आकाश भाई के पास और आकाश भाई का घर ढूंढने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई है, लोकेशन से नहीं पहुंच पा रहा था मैं, तो मतलब अपन शॉर्टकट आए और थोड़ा ढूंढने में दिक्कत हुई। बाकी अभी पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने थोड़ा आकाश भाई के साथ। चले भाई, चलो तुम्हें दिखाते हैं मार्केट। चलो चलो चल भाई चलो। और अभी अपने ये आकाश भाई आ रहे हैं, मतलब एक जीजी है उनके घर पे, तो अगर उसको एक राउंड घुमाओ नहीं तो वो कहीं जाने नहीं देती आकाश भाई को। तो अभी आकाश भाई ने उनको एक राउंड घुमा के ला दिया है, अब अपन चल रहे हैं मार्केट की ओर घूमने। बाय। और अब अपने आकाश भाई आगे आगे चल रहे हैं तो अपन उनके पीछे जा रहे हैं क्योंकि अपन अकेले तो जिधर से आए थे उधर वापस नहीं जा पाएंगे। वाह यार कितना मज़ा आ रहा है एकदम सुमड़ी सामड़ी से निकलने में। और ये अपनी बेबी छिंदवाड़ा की गलियों में ऐसे घूम रही है जैसे इसने सब देखा है। भाई मतलब क्या चल रही है यार, छोटी छोटी गलियों में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये अब हम लोग आराम से निकल चुके हैं जिधर से आए थे उधर, बाकी जब हम लोग यहीं यहीं घूम रहे थे ढूंढ नहीं पाए, लोकेशन ही चालू नहीं हो रहा था, तो फिर उसको मतलब जूम करके आए हम लोग और वो वहाँ पे नल्ला पड़ गया, पार ही नहीं हो पा रहे थे। फिर ये पैदल गया, बोले रास्ता तो है, नहीं तो हम लोग फिर पता है फिर वापस आके उधर फोन लगाते। और भाई अभी हमको हमारे दो स्कूल वाले दोस्त लोग दिख गए जो अभी हमसे मिलने आ रहे वापस। और भाई कैसे हो आप? बढ़िया रोहित भाई। बढ़िया बढ़िया भाई, क्या नाम है? रोहित ध्रुवे। राइड करने निकले हो गए? आ गए थे यार इधर छिंदवाड़ा घूमने थोड़ा। अच्छा, क्या हो गया पैर में? अरे एक्सीडेंट हो गया था, घूमने आए हो गए? यही पे भोपाल भोपाल का में निकाल दिया। हाँ पार्टनरशिप में थी ना वहाँ पे क्लास, वहाँ से हटा दी। ठीक है तो किसके पास जाना चाहिए? और आप वहाँ पे तो एक ही एकेडमी है कृष्णा की, कृष्णा भी आगे उसी के पास जाना। और चंदन गाँव में वर्ल्ड वाइल्ड जिम है ना, वर्ल्ड वाइल्ड जिम से बस थोड़ा सा आगे। सॉल्व देखना क्या है,
और भाई अभी हम लोग आ गए हैं ये मार्केट घूमने। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ अपने काम की चीज़ें। और भाई अभी हम लोग कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर घूमते हैं पैदल पैदल। और यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक दुकान बंद है। और अभी हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम लोग यहाँ पैदल पैदल घूम रहे हैं। और अरुण भाई की हालत पंचर हो चुकी है पीछे बैठ बैठ के। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा तो लग रहा है लेकिन उतनी बीमारी भी लगी है। उतनी वाट भी लगी है क्या? हाँ वाट भी लगी है। तो चलेगा कि नहीं फिर इंदौर? कोशिश करूँगा। कोशिश करेगा। चलो गाइस अपन घूमते अभी मार्केट अपना। और भाई अभी हम लोग ने मतलब पूरा मार्केट घूम लिया है और शॉपिंग वगैरह भी कर ली है। अब अपन घर के लिए जा रहे हैं और अपने आकाश भाई जा रहे हैं उनके घर साइड। ठीक है भाई है ना? ठीक है ब्रो। मिलते कब आएगा? मैं आता हूँ संडे के लिए। संडे के लिए ठीक है। तो ठीक है गाइस चलते हैं अपन भी घर के तरफ। और भाई अभी अपन लोग घर के लिए निकल चुके हैं। अपन अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं थोड़ा सा और फिर चलेंगे घर की ओर। चल डलवा ले। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो हमारा तो हो जाएगा। हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ डलवा ले। नहीं तो नहीं नहीं नहीं। ठीक है। हाँ पहुँच चुके। ठीक संडे आएगा। संडे मिलते हैं जरा। दुर्गा को बुलाओ यार। वो आएगा ना उसको बुलाऊंगा ना। अभी कार्ड सेंड करूंगा तो भाई उसको बुलाना पड़ेगा भाई। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा शॉप से इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर पाया यार। देखना यार अपन सब आते हैं इकट्ठे होते तो घूमने घूमने का बनाते हैं। ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ब्रो। ठीक है चलो। और भाई अभी अपन ने पेट्रोल नहीं डलवाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने पेट्रोल में अपना हो जाएगा। और अभी अपन निकल चुके हैं घर के लिए। और बाय बाय छिंदवाड़ा। और अपने आकाश भाई संडे के दिन आएंगे तो अपन संडे के दिन सारनी में ही मिलेंगे उनसे। और क्या अभी अपनी दीदी की भी शादी है तो वहाँ पे बुलाना पड़ेगा भाई लोगों को। तो चले भाई अरुण। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। भूख वूख तो नहीं लगी? हाँ नहीं, नहीं लगी। सारनी में रोक दूंगा। क्या खाओगे? समोसे? हाँ चलो तुम्हें खिलाते हैं सारनी के समोसे। तो चलो गाइस चलते हैं सारनी की और अरुण भाई को खिलाते हैं समोसे। तो ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि अब रात हो चुकी है। तो अपन अभी अपना थोड़ा सा ब्लॉग अब अपन सारनी जाके ही बनाएंगे। ओ भाई अबे शाम के टाइम क्या भीड़ हो गई है यार यहाँ। जमीन कुछ भी भीड़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यार इधर तो। हाँ अपना कूलेंट चालू हो जाएगा इस चक्कर में। अपना कूलेंट चालू हो जाएगा इस चक्कर में। एसी सॉरी कूलेंट नहीं एसी। अभी और भाई अभी हम लोग ये छिंदवाड़ा से बाहर निकल चुके हैं। फटाफट सारनी पहुँचते और समोसे धमकते बहुत जोर से लग गई है यार। और भाई हम भी हम लोग आ गए ये इकलहरा के एक नाश्ता पॉइंट पे। और ये अपने अरुण भाई हमको थोड़ा ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम लोग यहीं रुक गए अभी। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। यहीं खा लेते सारनी वारनी रहते होगा ना। बंद हो जाएगा जब तक। बंद भी हो जाएगा। तो गाइस चलो अभी अपन समोसे बड़े खाते हैं और फिर चलेंगे घर की ओर। और भाई अभी हम लोग ने नाश्ता वास्ता कर लिया है। अब अपन लोग निकलते हैं घर की ओर। और ये अरुण भाई बोल रहे हैं कि इनका थोड़ा प्रेशर वेसर बन गया है तो अपन को जल्दी घर जाना पड़ेगा नहीं तो अरुण भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी उनने मेरे को बैग भी दे दिया है बड़ा वाला वो बोल रहा है। जो मैंने टांग लिया है। तो अब चलो चलते हैं घर की ओर। तो भाई कल रात को हम लोग घर आ चुके थे। बाकी कल मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अपन ब्लॉग को अपना एंड नहीं कर पाए। तो आज अपन अपने ब्लॉग को यहाँ एंड करेंगे।
और ये अभी अपने बंटी भैया और ऋषि भाई मतलब जा रहे हैं कबड्डी के पॉम्पलेट चिपकाने या और खेलने भी, है ना, खेलने भी जा रहे हैं। तो और अपने ये राम सिंह भी आए हुए अपने घर पे अरविंद से मिलने, और गाड़ी पे ही बैठे, ये उतर नहीं रहे। अच्छा, बहुत दिन बाद मिले हो। तो गाइज अपन आज अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू गाइज़।